हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब्स इन्फो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें असिस्टेंट ग्रेड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप में भर्ती होनी है। तो उसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन का जो क्या है वो आपको बताएंगे, क्या क्वालिफिकेशन, कितने फीस और कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है cgvyapam.choice.gov.in पर है। तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है तो इसमें देख सकते हैं, जनसंपर्क संचालनालय की सूचना सहायक ग्रेड फर्स्ट एफ सूचना सहायक ग्रेड टू PRIA 18 भर्ती परीक्षा 2018 हेतु ऑनलाइन करने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। तो उनकी जो प्रेस विज्ञप्ति आई है दोस्तों, तो आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आपके सामने होगा जिसमें आप देख सकते हैं जनसंपर्क संचालनालय के अंतर्गत सूचना सहायक ग्रेड 1 एफ सूचना सहायक ग्रेड 2 PRIA 18 भर्ती परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2018 रविवार को जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रसारण व सूचना सहायक ग्रेड 1 एफ सूचना सहायक ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर दिनांक 9/2018 से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। परीक्षा रहेगी दोस्तों आपकी 16 दिसंबर 2018 रविवार को रहेगी। परीक्षा का जो समय है वो अपराह्न 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे से लेकर 5:15 तक रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9/10/2018 मंगलवार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है वो 28/10/2018 रविवार रात्रि 11:59 तक रहेगी। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है वो 10/12/2018 और परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालयों में अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और जबलपुर और रायपुर में आपकी जो परीक्षा केंद्र रहेंगे, आपको जो अपना एग्जाम है वो देना होगा। इसमें जो फीस आपकी आपको पे करनी है दोस्तों, सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये है, जनजाति और निसंजन के लिए 200 रुपये फीस आपको पे करनी होगी इस आवेदन के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की विधि, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, भर्ती नियम विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में आपको बताएंगे। उसके लिए हम चलते हैं कि दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। और आप यहां पर देख सकते हैं जनसंपर्क संचालन के अंतर्गत सूचना ग्रेड सेकंड सूचना सहायक ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2018, इस लिंक पर आपको क्लिक करनी तो आपके सामने इनके जो दूसरा पेज है ये ओपन होगा, जिसमें आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे और इनका सिलेबस और इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर दिया हुआ, बैंक इंस्ट्रक्शन, फीस आपको कैसे जमा करनी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस और चेक ट्रांजेक्शन स्टेटस, तो यहाँ पर सब लिंक दिया हुआ है। साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। ये जो है ग्रेड 1 और 2 के लिए आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं सूचना सहायक ग्रेड 1 और 2 के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर ये फॉर्म ओपन होगा जिसमें क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, तो आपको यहां पर हाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद और नीचे क्या आप विज्ञप्ति पद के अपेक्षित शिक्षक अहता रखते हैं, तो यहाँ पर भी हाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अपना नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद अपना फादर्स नेम, साथ में यहाँ पर आप जो फादर्स एंड मदर्स हैं वो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे, फादर्स एंड मदर्स नेम, उसके बाद नीचे उनका नाम आपको टाइप कर देना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आपको फिल करना है। यहाँ पर अपनी जो फोटो है वो अपलोड करनी है चॉइस फाइल पे क्लिक करके और अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सारी डालनी है और नीचे एग्ज़ाम सेंटर कौन सा आपको चॉइस करना है वो यहाँ से आपको क्लिक करेंगे। नीचे डिक्लेरेशन जो दिया हुआ है इस पर एग्री पर आपको क्लिक करना है और जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा डाल के एज इट इज़ आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपका जो फीस है उसके लिए फीस आपको जो पे करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप फी जो है वो पे कर सकते हैं।
तो ये था जो कि सूचना ग्रेड वन और टू के लिए। बात करते हैं अब जो नेक्स्ट इसका जो थर्ड के लिए जो आपको आवेदन करना है उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पर आप देखते हैं फिर थर्ड की जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो उसकी जो प्रेस विज्ञप्ति है वो आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसमें सारे ग्रेड 3 DCAG 18 भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में, तो यहाँ पर भी 16 दिसंबर को इसका भी एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों थर्ड का। और इसमें जो आप आवेदन कर सकते हैं 23/10/2018 आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, और यहाँ पर व्यापक प्रवेश पत्र जारी कर जो होंगे आपके वो 10/12/2018 को जारी होंगे दोस्तों। तो यहाँ से भी आप इसमें भी फीस 350, 250 और 200 रुपये रहेगी, और एग्ज़ाम सेंटर भी अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और जबलपुर, रायपुर रहेगा। इसमें जो आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों उसके लिए यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, सहायक प्रोग्रामर सत्र न्यायालय रायपुर के अंतर्गत ग्रेड 3 के परीक्षा भर्ती परीक्षा 2018, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी सेम उसी तरह से यहाँ पर आपके सामने न्यूज़ पेपर एडवर्टीजमेंट जो आया उसका नोटिफिकेशन है, आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सिलेबस, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बैंक इंस्ट्रक्शन, ये सब यहाँ से उसी तरह से चेक कर सकते हैं। ये ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने उसी तरह से ही यहाँ पर भी ओपन ऑप्शन होंगे। छत्तीसगढ़ पे आपको यस करना है और यहाँ पर शिक्षा आयता रखते हैं इस पर भी क्लिक करके सेम उसी तरह से इसमें भी आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। न्यूनतम आयता यहाँ पर दी हुई है आरक्षित वर्ग के लिए, न्यूनतम 45% आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों को के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में प्रमाण पत्र DCA प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान आपके पास होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर जो टाइपिंग रहेगी 5000 की प्रति घंटा की गति, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मदर्स फादर्स नेम आपको यहाँ पर डालना है सेम उसी तरह से जैसे आपको मैंने बताया उसी तरह से ये फॉर्म आप फिल करके अपनी फीस जो है पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड की सारे ग्रेड की भर्ती होनी है उसके बारे में हम आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसका जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे उसके बारे में हम आपको बताएं कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।